नमस्कार दोस्तों, मुस्कान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। अपनी ऑनलाइन क्लास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपन करते हैं प्रश्नावली नंबर 17.7 चालू, और 17.7 है इसमें दिए गए हैं वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़े। वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़े आपको ये ध्यान पहचान करनी है कि वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना, इनको देखना है कि वर्गीकृत आंकड़े हैं साथ में क्या है बारंबारता। सबसे पहले इसमें अपन माध्यक वर्ग चुनते हैं। क्या चुनते हैं? माध्यक वर्ग चुनते हैं। सबसे पहले n बटे 2 का मान ज्ञात करते हैं तथा n बटे 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी CF के संगत वर्ग को माध्यक वर्ग लेते हैं। अपन सबसे पहले n बटे 2 का मान ज्ञात करते हैं। n बटे 2 का जो मान आता है उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखते हैं, और उस संचयी बारंबारता के संगत जो वर्ग होता है उसे माध्यक वर्ग लिया जाता है। तो अब अपन देखते हैं माध्यक का फार्मूला। माध्यक बराबर होता है L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू एच। तो इसकी अपन L क्या होता है, N क्या होता है, CF क्या होता है, उनको देखते हैं। L बराबर होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, छोटी वाली सीमा। N बराबर होता है बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा F। CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। H बराबर वर्ग अंतराल, कितने का वर्गों के बीच अंतर चल रहा है, वर्ग बराबर होता है वर्ग अंतराल। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 अंतर चल रहा है 10 का, तो एच का मान होता है वर्ग अंतराल। नोट देखते हैं, माध्यक का जो मान आएगा माध्यक वर्ग के बीच का मान आएगा, माध्यक वर्ग के बीच में प्राप्त होगा। जो अपन ने माध्यक वर्ग चुना है उसके बीच में प्राप्त होगा, अपन आंसर की जांच भी कर सकते हैं, उसके बीच का मान प्राप्त होता है। तो अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं 17.7 का क्वेश्चन नंबर पहला, और बाकी सभी क्वेश्चन इसी प्रकार है, आपको आज घर जाके वे करके देखने, एक क्वेश्चन ध्यान से समझना। यदि ये मेथड समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता देना, इस मेथड को दोबारा रिपीट करा दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्यक ज्ञात कीजिए। इनसे क्या ज्ञात कीजिए? माध्यक, और माध्यक को ही माध्यिका कहा जाता है। प्राप्तांक दे रखे हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। छात्रों की संख्या 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। छात्रों की संख्या 6, 20, 44, 26, 3 और 1। n बराबर 100, यानी अपन बारंबारताओं का योग करते हैं, n बराबर कितना आ गया 100। इन सबको जोड़ने पर 100 आ गया। अब अपन ज्ञात करते हैं CF, संचयी बारंबारता। CF 6 का 6 उतारा, 6 में अगली बारंबारता 20 जोड़ी, 26, 26 में अगली बारंबारता 44, 70, 70 में अगली बारंबारता 26, 96, 96 में अगली बारंबारता 3 जोड़ी, 99, 99 में अगली बारंबारता 1 जोड़ी, तो 100। अंतिम वर्ग की संचयी बारंबारता 100, और बारंबारताओं का योग भी कितना है 100, तो अपनी संचयी बारंबारता सही है। अब अपन चुनते हैं माध्यक वर्ग। चूंकि यहाँ n बटे 2 100 बटे 2 बराबर 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 है। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? 70 है, जिसके संगत वर्ग, जिसके संगत वर्ग 40 से 50 है। संगत वर्ग क्या है? 40 से 50 है, इसलिए माध्यक वर्ग 40 से 50 होगा। माध्यक वर्ग क्या होगा? 40 से 50 होगा। अब अपन ने क्या चुन लिया? माध्यक वर्ग चुन लिया। माध्यक वर्ग चुनने के बाद अपन सूत्र लगा देते हैं, और सूत्र होता है माध्यक का L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H। तो L बराबर होती है
माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 40, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 40 एल, तो एल बराबर 40, एन बटे दो, 100 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 50। सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, माध्यक वर्ग 40 से 50 है, इससे ठीक पहले वाला वर्ग क्या है 30 से 40 की संचयी बारंबारता कितनी है 26, कितनी है 26। इसको आपको नहीं लिखना, डायरेक्ट याद रखना है, मैं आपको समझने के लिए लिखा रहा हूँ। सी एफ यानी कितनी हो गई 26 हो गई, सी एफ बराबर लिख दी 26। एफ बराबर होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग ये वाला है, इसकी बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता एफ होती है। एच बराबर होता है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है इनके बीच 10 का। अपन ने सूत्र में मान रखा एल की जगह 40 प्लस ब्रेकिट में एन बटे दो का मान 50 माइनस सी एफ का मान 26 बटे एफ का मान 44 गुणा एच का मान 10। 40 प्लस 50 में से 26 घटाए 24 बटे 44 गुणा 10, इनको काटा 4 से, 4 6 24 और 11 4 44 इंटू 10, 10 का गुणा 6 से किया 60 बटे 11, 60 में 11 का भाग दिया तो आ गया 5.45। आगे प्लस 40 प्लस 60 बटे 11, 40 प्लस 60 में 11 का भाग दिया तो 5.45। पॉइंट के बाद दो ही अंक अपन को निकालने हैं, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन देखते हैं कि 40 प्लस 5.45, 5.45 जोड़ा तो 45.45। अतः छात्रों के प्राप्त अंकों का माध्यक 45.45 है, अतः छात्रों का प्राप्त अंकों का जो माध्यक है 45.45 है। तो घर जाके आपको जो बाकी सवाल हैं वे करके देखने हैं, यदि ये मेथड समझ नहीं आता है तो आप दोबारा कमेंट करके बता देना, अगली क्लास में आपको दोबारा एक दो क्वेश्चन इसके और करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।